सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। यह गाड़ी मारुति की रिटीज, यह गाड़ी हीट हो रही है। हीट होने की प्रॉब्लम क्या है, यह देखे गाड़ी में कूलेंट भी फुल है, कूलेंट भी फुल है इस गाड़ी में। और यह देखे इसका रेडिएटर फैन भी नहीं चल रहा, चाबी बंद है। अभी देखे स्टार्ट करके दिखाता हूँ आपको। गाड़ी के अंदर कूलेंट भी फुल है। अब यह देखिए गाड़ी का फैन नहीं चल रहा है, इसलिए गाड़ी हीट हो रही है। यह देखिए इसका थर्मोस्टेट स्विच का कपलर निकालेंगे, जब चेक करेंगे डायरेक्ट फैन चल रहा है या नहीं चल रहा है। यह देखिए यह इसका यहाँ पर इसका थर्मोस्टेट स्विच है, यहाँ से फैन डायरेक्ट चलता है। यह देखिए थर्मोस्टेट स्विच, यह कपलर इसका हम निकालेंगे, दबा कर पुल करके इसको बाहर निकालेंगे, फिर फैन चेक करेंगे फैन चला या नहीं चला। यह देखिए निकाल दिया हमने और रेडिएटर का फैन नहीं चला, रेडिएटर का फैन नहीं चला। प्रॉब्लम देखेंगे क्या प्रॉब्लम आई है। गाड़ी स्टार्ट है, फैन नहीं चला, फैन नहीं चला। और हमने टेम्परेचर स्विच का कपलर भी निकाला हुआ है, जिससे कि डायरेक्ट फैन चल जाए। फैन नहीं चला, या तो फैन फूक गया है या फिर रेडिएटर फैन की जो रिले होती है उसको चेक करेंगे। फ्यूज क्या देखे, यह फ्यूज बॉक्स है या इनकी यह रिले है। यह देखिए फ्यूज बॉक्स को चेक करेंगे, यहाँ पे लिखा होता है कौन सा फ्यूज कैक नंबर का और कौन सा कहाँ पर लगता है। यह देखिए यह सारे फ्यूज का नंबर दिया हुआ है। यह देखिए रेडिएटर फैन 3 2 1, ये देखिए ऐसे है, तीनों रिले ये रही तीनों रिले। अब तीनों रिलों को चेक करेंगे कौन सी रिले फूकी हुई है। यह रिले तो ठीक है, इसको यहीं पर लगा देंगे। दूसरी भी ठीक है, यह देखिए यह रिले फूकी हुई है शायद, हाँ फूकी हुई है। यह देखिए रिले, यह देखिए इस रिले को चेंज करेंगे हम, जब देखेंगे फैन चल रहा है या फैन फूक गया, फैन फूक गया है या फिर चलेगा। रिले डालते हैं, नई रिले डालते हैं ओरिजिनल। यह देखिए यह फैन रिले है, जेन्युइन है, ओरिजिनल जेन्युइन पार्ट्स। अब देखिए रिले निकालेंगे हम, यह देखिए यह रिले है, जेन्युइन रिले है इसकी गाड़ी की। यह देखिए नई रिले है, इसको लगाएंगे। यह देखिए रेडिएटर 1 फैन रिले, यह देखिए 1, यह फूकी हुई है। अब इसको लगा कर चेक करेंगे रेडिएटर का फैन चलेगा या नहीं चलेगा। टेम्परेचर का कपड़ा निकाला हुआ है हमने, यह देखिए यह पंखा चल गया, देखिए पंखा चल गया। यह इसकी रिले फूकी हुई है, ख़राब थी। अब इसको दोबारा निकालेंगे, ये फैन फिर बंद होगा और रिले लगाएंगे, यह फैन चल गया। और इसका टेम्परेचर का कपलर हम इसको दोबारा यहीं पर लगा देंगे। इसका टेम्परेचर का कपलर है और गाड़ी को हीट करके चेक करेंगे ऑटोमेटिक फैन चल रहा है या नहीं चल रहा है। यह देखे
यह कपलर हमने लगा दिया टेम्परेचर का, अब चेक करेंगे ऑटोमेटिक चल रहा है या नहीं चल रहा है। यह देखे नई रिले लगाई है, इसका फ्यूज बॉक्स कवर लगा देंगे हम। ये रही नई रिले, यह देखे अभी फैन चेक कर रहे हैं हम, अभी फैन चला नहीं है, गाड़ी स्टार्ट है, बने रहिए हमारी वीडियो के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारा नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। गाड़ी कोई भी हो, टेम्परेचर स्विच निकालने पर और चाबी ऑन करने पर रेडिएटर फैन चल जाता है, अगर रिले ख़राब है तो नहीं चलेगा, रिले चेंज करके देखे तो चल जाएगा, अगर फैन के रेडिएटर फैन के कार्बन ख़राब हो गए तो भी नहीं चलेगा, अगर पंखा फूक गया तो भी नहीं चलेगा। ये देखे गाड़ी हीट होने वाली है, अभी पंखा चला नहीं, अभी जब चलेगा जब आपको दिखाएंगे हम, टेम्परेचर हीट होने पर ऑटोमेटिक फैन चल जाएगा। ये देखे फैन ऑटोमेटिक चल गया, ये देखिए ऑटोमेटिक फैन चल रहा, टेम्परेचर का कपलर वहीं पर लगा हुआ है। देखिए ऑटोमेटिक बंद होगा फिर ऑटोमेटिक चलेगा अपने आप, यह ऑटोमेटिक फैन चालू हो गया है। और हाँ एक बार एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप एसी चला रहे हो, गाड़ी की एसी चला रहे हो और पंखा नहीं घूम रहा, तब भी या तो फैन फूक गया है या रेडिएटर फैन की रिले ख़राब है, यह तीनों रिले चेक कर लेनी है, तीनों रिले चेक कर लेनी है। यह देखे एसी चलाते हम, एसी चला दी हमने, एसी चलाने के बाद यह देखे पंखा चल रहा है, एसी को बंद करेंगे, यह देखे एसी बंद कर